चुनाव में बात अयोध्या की सबसे ज्यादा हो रही है, चाहे बात हम राजनीतिक दलों की करें, खुद असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या से आगाज करते हैं, आम आदमी पार्टी वहां से आगाज करती, तो इस दौरान अयोध्या, और जब अयोध्या की बात हो तो मैं चाहती हूँ आप अपने अंदाज में अयोध्या को किस तरह से वर्णित करती हैं, या फिर श्री राम को आप कैसे देखती हैं, किसी कुछ गुनगुनाते हुए कुछ हो जाए। भगवान राम के बारे में तो मैं बस यही कहूंगी कि ये देश का दुर्भाग्य रहा है कि जो भगवान राम हम सबारे हमारे लोकमानस में हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हैं, उनके अस्तित्व को नकारने जैसी बेहुदी बात देश में हुई है, और उसको हमारे पुरखों ने सहा है, बर्दाश्त किया। बड़े भाग्यवान हैं हम लोग कि हम लोग अपने सामने सुप्रीम कोर्ट का भी आभार व्यक्त करते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से मामला वो हुआ और अब भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। तो भौतिक तो मंदिर अब बन रहा है, हृदय में मंदिर हम लोग के बहुत पहले से है, और अब जो अयोध्या आ रहे हैं उनके आना तो अब राजनीतिक विवशता है, बहुत स्पष्ट बात है। आप समझें कि एक लंबे समय तक यहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक परहेज करते रहे हैं अयोध्या आने से, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के फैजाबाद तक लौट जाएंगे, उत्तर अयोध्या नहीं आएंगे। आप सोचिए कि वहाँ पर किस प्रकार का विकास होगा जहाँ पर यदि नेता ही आने से डरें और बचें, ये कहीं ना कहीं इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। मैं एक लाइन में ही बात खत्म करती हूँ कि जो राम को नहीं मानता वो कल को अपने पिता को भी नहीं मानेगा। राम भारत के लिए कुछ ना कुछ ऐसे हैं, और हम लोगों ने, मैं तो लोकगीत गाती हूँ, जो गीत हम गाते, रिकॉर्डिंग टेक्निक लिखना पढ़ना जिस जमाने में हमारी दादियों को नहीं आता था, न देश में था, ये तब से राम की कथा और राम के जीवन का एक एक किस्सा गा के बताती हैं। जी बिल्कुल, तो क्या सुनेंगी राम के, कौन से जीवन आप, के आपके जो आप जिन्हें सबसे ज्यादा अपने नजदीक मानते हैं। मैं राम की जय जयकार का ही एक गीत सुनाती हूँ। बिल्कुल, जय हो राम तुम्हारी जय हो, जय हो राम तुम्हारी जय हो, वसुधा हसे सुधारस भर से जग से दूर अनय हो, जय हो राम तुम्हारी जय हो। राम क्यों राम है, तेरी शक्ति लोक हितकारी, इसीलिए रावण पर भारी, हारी तुमसे असुर साधना, हारी तुमसे असुर साधना, वसुधा फिर निर्भय हो, जय हो राम तुम्हारी जय हो, जय हो राम तुम्हारी जय हो। बोलो राम सीता राम, बोलो राम राजा राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 राजा राम। अब इस गीत में कितना सुंदर संदेश है कि रावण अधिक बलशाली, ज्यादा समर्थ संसाधन के संदर्भ में, लेकिन राम के आगे क्यों हो रहा, क्योंकि राम के जीवन का युद्ध करने का भी जो लक्ष्य था वो कहीं ना कहीं लोक कल्याण था, और रावण का स्वार्थ का था। तो शक्ति यदि किसी के पास हो तो राम जैसे ही उस शक्ति का प्रयोग करे कि राज्य जीता तो भी दे करके आए,